आगे स्टार्ट करते हैं हम। इजी टॉपिक तो है, लेकिन अब जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो अब हम करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन तो मान के चलो आप 100% चांसेस है, 99% मैं बोलूं कि चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा। अब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में का मेन पर्पस पता है क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना, यही होता है ना हमारा जीपी निकालना। और जीपी निकालने के दो तरीके देखे थे हमने, एक बाय वे ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयरिंग और एक इक्वेशन, इक्वेशन से देखा था। अब इक्वेशन से हम सीखेंगे जीपी निकालना। तो जीपी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो जीपी कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब अभी फिलहाल के लिए समझो प्रॉफिट को ही ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। मान लो मैं 10 रुपए का मार्कर, 10 रुपए का मार्कर मैं खरीद के लाता हूं और मैं 12 रुपए में बेच देता हूं, तो प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए का। सिंपल वर्ड है आपका सर, 2 रुपए का प्रॉफिट है। मैंने बोला कैसे पता किया? बोला सर जितने का आपने बेचा उसमें से खरीदा हुआ माइनस कर दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मैं जीपी शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूं, अब मैं लिख देता हूं पूरा। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा भाई? ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल्स में से, अगर हम सेल्स में से क्या माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इतना लंबा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ही होता है बेसिकली किसी सामान का कीमत। और इसको मैं अब शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा COGS। अब सर COGS, अरे इसी का तो शॉर्ट फॉर्म किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ताकि हमें बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े। तो COGS यानी सेल्स में से, अभी आपने बताया सर 10 रुपए का अगर मार्कर 12 में बेचोगे तो 12 रुपए तो आपके पास आया, और 10 रुपए की आपकी कॉस्ट थी, तो 2 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वही तो मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं कि सेल्स भी दे दे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दे, तब तो आप फटाफट आंसर निकाल दोगे। एग्जामिनर सेल्स नहीं देगा, सेल्स नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम सेल्स निकाल सकते हैं। अच्छा सेल्स निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल सेल्स निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? नगद में जो बेचा, और अगर कोई क्रेडिट में बेचा है, और अगर कोई हमने हमारा सेल्स रिटर्न हुआ तो उसको कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न। और हम इसको अब सेल्स ना बोल के हम नेट सेल्स का भी नाम दे सकते हैं। नेट क्यों बोला? क्योंकि इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस है, इसमें से हमारा सेल्स रिटर्न क्या हो गया? माइनस हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मैं मैकडी गया, मैंने बोला सर बर्गर कितने का दिया आपने, उसने बोला सर 20 रुपए का बर्गर। मैंने पूछा तो 20 रुपए उसने बताया नहीं, मैंने देखा क्योंकि आप मैकडी वगैरह जाओगे तो ऊपर मेन्यू चलता रहता है, मैंने देखा एमआरपी बर्गर का पिक्चर बना हुआ, बहुत बड़ा लग रहा था पिक्चर में तो मुझे देखने में। लेकिन फिर पूछा और 20 रुपीज ओनली, मैंने 20 रुपए का नोट निकाला, मैंने बोला एक बर्गर, तो बोला सर 20 रुपए का तो बर्गर नहीं मिलेगा, ये टैक्सेस वैक्सेस सारी चीजें जोड़ के GST वगैरह लगा के आपको 25 का पड़ेगा। मैंने फिर 5 रुपए का एक सिक्का और निकाला और उसे 25 रुपए दे दिए। बर्गर जितना बड़ा पोस्टर में था उतना बड़ा तो नहीं आया, खैर छोटा सा ही है बर्गर। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैकडी में बर्गर खा रहे हैं, तो बर्गर मैंने लिया 25 रुपए का। अब मैकडी वाला, मैकडी वाले के पॉकेट में कितना गया बताओ? 25 नहीं, कैश में उसने भले ही 25 रिसीव किया, लेकिन 5 रुपए तो टैक्स का दिया है ना उसने, उसका सेल्स अपनी कितनी बोलेगा, 20 या 25? 20। तो इसका मतलब अगर मैं आपको दूं कि जी मेरा बर्गर मैकडी का सेल्स है 25 इंक्लूडिंग GST, तो आप क्या करोगे GST का माइनस? तो अगर कोई GST होगा, और हमेशा इस पे आउटपुट होता है, अगर आउटपुट GST है तो माइनस। मैं एडवांस लेवल पे लेके चल रहा हूं, देखो होगा नहीं आपके क्वेश्चन में वैसे। अगर आउटपुट GST हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस। अगर इंक्लूड हुआ तो, अगर बोलूं मैं एक्सक्लूड तो फिर तो माइनस पहले से, तब कुछ नहीं करना। ठीक है चलो, एग्जामिनर इतना तो आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं देगा कि सेल्स आप ऐसे निकाल लोगे, तो पता ही है कैश प्लस क्रेडिट। आपको ये भी नहीं देगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी COGS निकालने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज
प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं जब डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा हूं तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस में यहां पे वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरिज इनवर्ड आएगा, फ्रेट आएगा, पावर आएगा, फ्यूल आएगा, वेजेस एंड सैलरी आ सकता है, ठीक है ना? तो ये आप अंडरस्टैंडेबल हो। माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक ये कर देंगे, ठीक है? तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें एग्जामिनर अगर कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दे, कुछ इंफॉर्मेशन इससे, तो ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में जाके रखेंगे, और तब जाके हमारा कहीं जाके ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा आंसर कहीं ना कहीं जाके। क्या इस सीओजीएस को निकालने का कोई और तरीका है? बिल्कुल, सीओजीएस इसी फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं सेल्स इधर ले जाके क्या कर दूं, माइनस, तो क्या मेरा आंसर आ सकता है? तो मैं एक और सीओजीएस का कोई, मैं एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, आपको पता है सामने दिख रहा है, बस मैं आपका थोड़ा काम बढ़ा रहा हूं। क्या हो जाएगा, माइनस सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस ही रहेगा हमारा, ठीक है? कई बार आपको क्वेश्चन जब देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब हमारे पास सर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो टाइप के। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पे, वो दो तरीके का, इन सब के बेसिस पे ही दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो तरीके का कौन कौन सा? एक आपको सबसे पहले, एक आपको तो सिर्फ अमाउंट गिवन होगा। अमाउंट का मतलब नहीं समझा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन होगा। दूसरा आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज गिवन होगा जीपी का। तो जब एक तो जीपी का परसेंटेज गिवन होगा तब भी करना पड़ेगा, और एक अमाउंट गिवन होगा आपको, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम करेंगे। तो पहले मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगा, उसको समझेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल इसके लिखेंगे, फिर समझेंगे सिंपल तरीके से। चलो मैं पहले पहले वाले का लिख रहा हूं। कैसा क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पे परचेज है, परचेज 10,000 या 1 लाख कर लेते हैं। मैंने बोला कैश में सेल्स 20,000 और क्रेडिट में सेल्स 90,000 या 1,20,000। इसके बाद मैंने आपको दिया वेजेस 10,000। इसके बाद दिया क्लोजिंग स्टॉक। बोर्ड पे ध्यान दे आप, बिल्कुल बिल्कुल यहां कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एंड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैंने दिया 5,000। बोला चलो निकाल के दिखाओ आप जीपी। तो सर जीपी निकाल के दिखाना बड़ा ही आसान है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जीपी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। मैंने बोला इस इक्वेशन से निकाल के दिखाओ। तो सर इस इक्वेशन से हम निकालना सीख रहे हैं, तो मैं इसी की चर्चा करूंगा। इस इक्वेशन से कैसे निकाले, मुझे सेल्स चाहिए, तो सेल्स तो दिया नहीं सीधा सीधा इसने, पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स 1,40,000। क्या समझ में आया? इसके असर सीओजीएस चाहिए हमें, सीओजीएस भी सीधा सीधा नहीं दे रहा है। चलो अब सीओजीएस निकालते हैं। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक जो कि हमें गिवन है 5,000 प्लस परचेज, जो परचेज भी हमें क्या गिवन है ढूंढते हैं, गिवन है प्लस क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने दिया, दिया है वेजेस माइनस क्या क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में 10,000। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ना पता हो, जीरो मान लो। ऐसा भी हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ना पता हो, जीरो मान लो। ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ना पता हो, जीरो, लेकिन परचेज तो हमेशा देगा वो, ठीक है? अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 50,000, 5 और 1,05,000, ये तो कैंसिल हो गया। ये लो 1,05,000 आ गया, ये लो हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। आपने जीपी पूछा था, अभी देते हैं आपको जीपी का रिजल्ट। जीपी इज इक्वल टू 1,40,000 माइनस 1,05,000, तो आंसर इज, ये तो सिंपल बात हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर कर लिया, इसमें कोई डाउट? यानी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ अलग अलग तरीके से दे सकता है। मैं चाहता तो यहां पे एक पॉइंट और डाल देता। एक पॉइंट क्या डालता मैं यहां पे, सैलरी 30,000। क्या बताओ इसका यूज करते?
नहीं करते, यानी हमें वही इंफॉर्मेशन यहां पुट करना है जिसका हम यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं करना उसको छोड़ दो आप। ये तो बहुत आसान काम था हमारा, और एग्जामिनर जनरली ट्रेडिंग अकाउंट से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तब भी बना लोगे, परचेज लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, क्लोजिंग लिखोगे, सारा काम कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अगर वो परसेंटेज देगा, तो हमेशा परसेंटेज पता है किसका देगा, वो जीपी का, ठीक है। मैंने बोला मेरा सेल्स जो है, सेल्स है मेरा सपोज करो 20,000 या 10,000 मानते हैं, सिंपल रहेगा, सेल्स 10,000 है, ठीक है। और मैंने बोला जीपी, जीपी है 20%। अब मुझे बताओ जीपी 20% किस पे है, चलो मैं बता देता हूं, जीपी 20% ऑन सेल। आपको क्या निकालना है यहां पे, आपको सीओजीएस बताओ, ठीक है, सीओजीएस बताओ। सीओजीएस के बाद आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है जीपी बताओ। दो पॉइंट मैंने पूछा यहां पे क्वेश्चन, दो पॉइंट मैंने पूछ लिया। फर्स्ट पॉइंट कैसे निकालें, फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, चलो सबसे पहले जीपी पता चल जाए और सेल्स पता चल जाए तो कुछ ना कुछ ये फॉर्मूला मदद कर देगा, है कि नहीं। तो जीपी पता चल जाए, सेल्स पता चल जाए, जीपी पता चल सकता है कैसे, 10,000 जीपी इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय क्या आ गया बताओ, अरे 2,000 कितने आ गए, 2,000। अब 2,000 क्या है हमारा, जीपी, सीओजीएस, सेल्स माइनस जीपी। आंसर आपने डायरेक्ट दे दिया 8,000। सबको समझ में आ रहा है 8,000, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत, मतलब एकदम डायरेक्ट से हो गया, मैंने 10,000 में से क्या करा माइनस कर दिया 2,000 जीपी। चलो अच्छा ये तो बड़ा आसान था। एग्जाम्पल नंबर टू, मान लो मैंने दिया सेल्स, ध्यान देना इधर बोर्ड पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने दिया सेल्स और जीपी मैंने दिया आपको 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। अब बताओ कितना जीपी आएगा, क्या जीपी निकाल पाओगे, क्या आएगा, बिल्कुल गलत, 2,500 एकदम गलत आंसर है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये सेल्स है और ये कॉस्ट है, ये दोनों एक जैसे नहीं लगते। यहां पे ये सेल्स था, जीपी ऑन सेल्स था, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे हमें एक और फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि सेल्स क्या होगा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स ये होगा। अब हमें सेल्स तो दे रखा है, कॉस्ट नहीं पता क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट पे निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। अब अप्लाई कर सकते हैं हम, सेल्स की जगह पे सेल्स लिखो 10,000 इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स का 25% है तो एक्स का 25% एक्स बाई 4 होगा। इसको मैं यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे, एक्स गुणा में 25 बटे में, इसको मैंने सॉल्व करके ये लिखा है, ठीक है, ये आ गया। अब x की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड कर ले तो हमें क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट। अगर कॉस्ट पता चल गया तो हम जीपी भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, ये 5x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 10,000। अगले स्टेप पे क्या होगा, 40,000 5x, यानी x क्या आ गया हमारा, एक्स आ गया हमारा 8,000, एक्स क्या आ गया 8,000, और एक्स इज व्हाट, हमने क्या माना था एक्स, चलो जी कॉस्ट तो निकाल लिया 8,000, तो जीपी निकालने के लिए हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए ना, सेल्स दे रखा है सर आपने और कॉस्ट आपने निकाल लिया मेहनत करके, तो यहां पे निकल जाएगा आपका सिंपल, जीपी इज इक्वल टू 10,000 सेल्स माइनस में 8,000 रुपए सीओजीएस, ये आ गया हमारा 2,000 जीपी। क्या रिजल्ट मिल गया हमें, मिल गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं और तुक्का ज्यादा मारते हैं।
एग्जाम्पल नंबर थ्री। अब एग्जाम्पल नंबर मैं अगर थ्री की बात करूं तो भाई एग्जाम्पल नंबर थ्री में चलो फिर से मैंने दिया आपको कॉस्ट। यहां तो दोनों बार सेल्स दिया था मैंने, यहां दिया मैंने कॉस्ट और कॉस्ट दिया मैंने आपको सपोज करो कि 8,000, या आप 10,000 ही देते हैं कॉस्ट, और जीपी मैंने दिया 20%। अब बताओ क्वेश्चन अनकंप्लीटेड, यानी जीपी नहीं बताया कि किस पे है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आप फेस करो तो इसका मतलब होता है सेल्स पे है। जब जीपी किस पे है ये नहीं बताया जाता तो जीपी हमेशा किस पे अजम्पशन लेंगे, सेल्स पे, हमेशा अजम्पशन लेंगे सेल्स पे। चलो मैं यहां सेल्स लिख देता हूं। चलो अब देखो ये किसी और कैटेगरी की बात कर रहा है और ये कुछ और कैटेगरी की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग। अब हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लेट करते हैं, क्या मानना है, सेल्स मानना है, लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बड़ा ही सिंपल। सेल्स मैंने वही फॉर्मूला दोबारा लगाना है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस प्लस में जीपी। सेल्स तो हमें पता नहीं भाई, एक्स तो पता है, ये 10,000 है और जीपी सेल्स का 20% है, तो सेल्स का 20% एक्स वाई फाइव। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो x माइनस एक्स बाई फाइव क्या आएगा, ये 4x, यही आएगा ना माइनस होके, ये आ गया 10,000। अब आंसर अगर हम इसको x की वैल्यू सॉल्व करें तो 5 से मल्टीप्लाई 4x, तो मेरे पास x इज 12,500। सर आपने क्वेश्चन में तो बता ही नहीं क्या ढूंढना है, चलो लिख देते हैं, निकालो जीपी। अब हमें सेल्स पता चल गया और कॉस्ट भी पता था ही, क्या जीपी निकल सकता है? कैसे निकालेंगे? जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स निकाला है अभी अभी 12,500 और 10,000 यानी 2500। आंसर आपने दिया सर इसका आंसर 2500 होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड। एग्जाम्पल मान लो मैंने दिया आपको कॉस्ट, कॉस्ट अगेन दिया मैंने 10,000 और मैं बोलता हूं जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट 20%। सपोज दैट अब आपका देखो कॉस्ट है और जीपी ऑन क्या है, एक ही जैसी बात कर रहा है, तो अब लेट नहीं करना, अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला फाइंड करो जीपी, ठीक है जीपी निकाल लेते हैं। जीपी कैसे निकाला जाए, 10,000 मल्टीप्लाई 20 बाय 100, ये लो जीपी आ गया 2,000 डायरेक्ट। तो सर एक दिक्कत ये आ रही है कि कहीं तो आप डायरेक्ट कर रहे हो और कहीं पे लेट करके कर रहे हो। तो अब देखो समझो इसको, पहचानते हैं कहां पे डायरेक्ट करना है और कहां पे हमें लेट करके इसको करना पड़ेगा, देखते हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी देखना, ये क्या है और ये किस पे है, तो दोनों आपस में मिल गए सेल्स पे और क्वेश्चन भी सेल्स पे ही कह रहा है, यही हो रहा है ना यहाँ पे। जब ऐसा सिचुएशन आया तो सिंपल डायरेक्ट करो। इसके बाद यहां पे देखो ये क्या है और किसके ऊपर कह रहा है, दोनों बातें मिल गई आपस में डायरेक्ट, कोई लेट करने का चक्कर नहीं है। लेट कब किया गया, अब देखो यहां पे क्या है सेल्स और ये कॉस्ट, ये एक घर के नहीं लगते, अलग अलग है। सेल्स का एक अपना अलग पहचान है और कॉस्ट का एक अपना अलग पहचान है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, उस पर परसेंटेज है, अब लेट करना पड़ेगा। सेम इसमें देखो ये कॉस्ट है और प्रॉफिट कहता है सेल्स पे, फिर अलग अलग बातें, सेल्स कहीं और की बात है, कॉस्ट कहीं और की बात है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, उसमें चार ऑप्शन दे देगा और उसमें एक को टिक करना पड़ेगा, और एमसीक्यू का मान लो 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस टाइप का। तो अभी हमने कैसे करा कि ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालना सीखा, जीपी कैसे निकाला, बाय इक्वेशन। इक्वेशन मैंने इसलिए नाम दे दिया कि इस कुछ फॉर्मूले हैं, इससे निकाल लिया। अब ये फॉर्मूले बने या फिर ऐसे ही हो गया ये, बस ये अब उसको भी समझ लेते हैं। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते हो, बनाते हो ऐसे, यहां पे लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, यहां पे लिखते हो परचेज, यहां लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखते हो सेल्स, और यहां कुछ पावर वगैरह है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप ध्यान से देखो ये वाली साइड ही सारी जुड़ गई,
क्या क्या जोड़ दिया, ओपनिंग परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर्मूले को देखो, ओपनिंग परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स, सेल्स को छोड़ दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक पहले करेंगे। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो हमारा कॉस्ट आया। अब कॉस्ट को अगर मैं सेल्स में से इसमें से माइनस कर दूं, इन सब को जो ये मैंने टोटल माइनस किया इन सब को इसमें से माइनस कर दूं तो जीपी आएगा। तो ये किस बात का फॉर्मूला है, ये तो पहले ही पता था, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऐसे होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें टेबलर फॉर्म में दिखता है और यहां पर क्या करा हुआ है, बस एक फॉर्मूले के फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में दे दिया है। तो यहां पर एक तो परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारा इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे, उसमें से पिक कर लेंगे। इसके काफी सारे शॉर्टकट्स भी हैं। अभी तो हमने सारा लेट किया, ये किया, अब शॉर्टकट्स में क्या होगा, बस आपने क्वेश्चन देखा, आपको सीधा परसेंटेज पता चला, वो निकाल लोगे। तो उस शॉर्टकट का डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। बाकी मैंने एक वीडियो शॉर्टकट के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिस बच्चे को अगर लगता है हमें जल्दी जल्दी सीखना है तो वो देख सकता है। ब्रांच अकाउंट के अंदर जिसको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसी टाइम इसके सारे शॉर्टकट्स आपको दे दूंगा किस तरीके से निकाले जाते हैं। लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट्स आपके एमसीक्यू में तो एप्लीकेबल है, क्योंकि एक क्वेश्चन टिक करना है। लेकिन आ जाए चार नंबर में क्वेश्चन और आपको पता चले एक ही बार शॉर्टकट में आंसर निकाल दिया, तो उस वहां पर पूरा डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसको नोट करिए। फिर हम अभी आएंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं आपके बुक का, प्रैक्टिकल फोर, बुक दिखाना एक बार। अब जिसका आंसर आ गया हो वो टैली कर लें, जिसका नहीं आया एक बार देख लेते हैं। कहता है ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, कैश सेल्स दे रहा है, परचेज दे रहा है, क्रेडिट सेल्स दे रहा है और जीपी दे रहा है 33.33% ऑन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अगर मुझे ये पता चल जाए और ये सारा पता चल जाए यहां से लेके यहां तक, तब तो मैं इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकता हूं। यानी ये जरूरी है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया। इसको जानने के लिए हमें एक तरीका तो ये है कि सीओजीएस पता हो, सेल्स पता हो। सेल्स तो चलो हमें दे रखा है, सीओजीएस कैसे पता चलेगा जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता चलेगा। तो एक हमारा और तरीका है सीओजीएस निकालने का, और सीओजीएस निकालने का एक तरीका क्या, इसी फॉर्मूले को सही कर रहा हूं मैं, सेल्स माइनस में जीपी। अब आपको सेल्स भी पता है और जीपी निकालना है, जीपी किस पे कहता है, कॉस्ट पे। तो आपको सेल्स पता है, सेल्स बताओ कितने रुपए का है, और जीपी ऑन कॉस्ट इसको ऐसे सोचो कितने परसेंट, 33 यानी 1/3 कर देते हैं, 1/3% था, ठीक है, परसेंटेज नहीं आएगा बेसिकली 33। मैं पूरा लिख रहा हूं प्रॉपर, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब आपको पता है ये सेल्स है और ये कॉस्ट है, लेट करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, लेट लेट क्या मानना है बताओ, सेल्स मान लू क्या, सेल्स तो दे ही रखा है, कॉस्ट लेट, टोटल कॉस्ट एंड हाँ एक्स। इसके बाद सेल्स आपको पता है 1,00,000 इजिकल टू कॉस्ट एक्स, ये प्लस में एक्स बाई थ्री, क्या समझ में आया, मैंने डायरेक्ट करा है थोड़ा, आगे समझ में सॉल्व करते हैं। तो 4x बाय इजिकल टू 1,00,000, 4,00,000, 3,00,000, एक्स इजिकल टू 70, ये लो, ये डायरेक्ट ही कॉस्ट आ गया, हमें जीपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, अभी कॉस्ट आ गया, यानी ये पता चल गया हमें, ये पता चल गया 75,000। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक पता है बताओ, क्या क्वेश्चन में परचेज पता है, क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं है, जीरो। क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है, सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 70, 90, 90, 75, 15,000 माइनस का, और माइनस सीएस, सीएस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये लो जो एग्जामिनर ने पूछा वो हमने उसको जवाब दे दिया। कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सबसे आसान क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट करना है जब परचेज दे रखा हो 8,00,000। यानी क्वेश्चन ने बोला कि हम आपको परचेज देंगे,
आप बताओ परचेज कितने का है। मैंने बोला कोई बात नहीं, परचेज आपने दिया 8 लाख रुपए। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न दे रखा है 20। इसका मतलब मेरे से कोई पूछे सर परचेज आपका कितना है, मैं बोलूंगा सर 8 लाख तो नहीं है, 7 लाख 80 हजार का है। नेट परचेज इसे बोलते हैं, इसी को तो नेट बोलते हैं जब आप रिटर्न माइनस कर देते हो। डायरेक्ट एक्सपेंस 60 हजार, डायरेक्ट एक्सपेंस देता है क्वेश्चन में 60 हजार। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेंस के बाद कहता है 2/3 ऑफ गुड सोल्ड 6,10,000। कहता है जो भी आपका सामान था, जो भी आपका गुड्स का कीमत था, उसका 2/3 हिस्सा। अब मेरे गुड्स का कीमत अगर मुझसे पूछो तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने खरीदा इतने का था, इस पे डायरेक्ट एक्सपेंस निकल गया, तो कॉस्ट मेरा जो पड़ेगा वो पड़ेगा कितना, 8 लाख। कहता है जो भी सामान था उसको आपने बेच दिया कितने का, सोल्ड कर दिया 5 लाख 6 लाख। अब ध्यान से सुनना इसको, इसका कहने का मतलब नहीं है कि सारा जो भी सामान था सारा बेच दिया। बोलता है जो सामान था उसका 2/3 हिस्सा, उसका 2/3। तो भाई सामान तो टोटल ये था, ये सारा थोड़ी ना बेचा है 6/10 का, इसका सिर्फ 2/3 पार्ट बेचा है, तो 2/3 कितना आएगा, 8,40,000, जो कि कितना निकल के आता है। इसे सॉल्व करें तो 3, 8, 2,80,000 इंटू 5 लाख, तो ये हमारा कॉस्ट है। अब देखो क्या समझ में आया क्वेश्चन, 8,40,000 रुपए के सामान में से 2/3 हिस्सा बेच दिया जिसका वैल्यू निकल के आया था 5,60,000। तो भाई 5,60,000 का सामान बेचा ना आपने 6/10 में, तो अब यहां से कंपैरिजन करके निकालेंगे जीपी, और जीपी आ गया हमारा ये लो 6th क्वेश्चन। अब पूछोगे सर बाकी का क्या हुआ, बाकी के कुछ नहीं बोला हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा हमारा। क्वेश्चन में बोल सकता है शायद बोला भी हो कि क्लोजिंग स्टॉक भी निकालो, तो जी क्लोजिंग स्टॉक 8,40 में 5,60 का तो बेच ही दिया, बाकी बचा वो क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी हम आंसर दे सकते थे फटाफट। समझ में आया क्या यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, एक्सपेंस ऑन परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, एक्सपेंस ऑन सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकाल पाएंगे इसमें, पहले वाला पार्ट हो गया सिंपल, लेकिन यहां जो दे रखा है ना आपको एक्सपेंस ऑन सेल्स इग्नोर करना है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको क्या करना है, इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 11, ओपनिंग स्टॉक पता है, सेल्स पता है, कैरिज इनवर्ड पता है, सेल्स रिटर्न पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, परचेज भी पता है और परचेज रिटर्न भी पता है। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया, सेल्स पता है, ये जैसा हमने पहला फोर्थ लिस्ट प्रैक्टिकल करा वही आ गया, ये सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, जीपी गिवन है, कॉस्ट आ गया, कॉस्ट में ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, इंफॉर्मेशन मिसिंग क्या रह जाएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक वो निकल जाएगा, हो जाएगा क्या ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 तो हो जाएगा सिंपल है, या एक बार पढ़ देता हूं 12 जो अभी आपने करा था हो जाएगा 12, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। नई बुक है ना जो मुझे दिया है जिसने, न्यू बुक है ओल्ड है, ओल्ड है, फिर क्वेश्चन नंबर होगा नहीं 13 नई बुक में, देखो यही है। तो कहता है कि नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 9 लाख 9 लाख का, इफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दे सेल रखा है और जीपी किस पे बोल रहा है, सेल्स पे, दोनों एक ही पॉइंट हो गया, कोई लेट करना या डायरेक्ट, डायरेक्ट करोगे जीपी आएगा, जीपी माइनस करोगे कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल।
हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हो जाएगा 14। इफ सेल्स गिवन है आपको 9 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और कॉस्ट के ऊपर दे रहा है, क्या ये कर पाएंगे? कॉस्ट पे 25 है, यहां पे क्या करना है, लेट या डायरेक्ट? लेट करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स है और जीपी सेल्स पे नहीं है, कॉस्ट पे है, तो यहां पे लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 15, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है, अभी करा है शायद ऐसा क्वेश्चन तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया और जीपी ऑन किस पे दे रहा है? सेल्स पे। अलग अलग है, लेट एक्स करके फिल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। चाहे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करें जीपी, या फिर हम करें कैसे नॉर्मल इक्वेशन बना के, सॉरी कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के टेबुलर फॉर्म में। अब हम सीखेंगे क्या,